नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग दो पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रायिकता का परिचय और प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित कुछ उदाहरण। आज के इस वीडियो में भी हम प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, प्रायिकता को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें तीन तरह के उदाहरण को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला होता है पासे का उदाहरण, दूसरा होता है सिक्के का उदाहरण और फिर ताश की गड्डी का उदाहरण। पासे का उदाहरण आपने पिछली वीडियो में किया था। आज के इस वीडियो में हम दो और उदाहरण को अच्छी तरह से समझेंगे, जो कि है सिक्के का उदाहरण और ताश की गड्डी का उदाहरण। बाकी इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु आपने पिछली वीडियो में ही सीख लिया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सिक्के के उदाहरण की ओर। यदि दो सिक्कों को एक बार एक साथ उछाला जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम दो सिक्कों को एक साथ और एक बार उछालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे। या तो हमें दोनों सिक्कों में चित प्राप्त होगा, या तो हमें दोनों सिक्कों में पट प्राप्त होगा, या फिर एक सिक्के में हमें चित प्राप्त होगा और दूसरे में पट, या फिर एक में पट प्राप्त होगा और दूसरे में चित। यानी कि हमें जो कुल संभव परिणाम प्राप्त होंगे वो यही चारों होंगे। मान लीजिए अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अब कम से कम एक चित आने की प्रायिकता बताने के लिए हमें सबसे पहले दो सिक्कों को एक बार एक साथ उछाले जाने का संभव परिणाम लिखना होगा, जो कि होगा दोनों सिक्कों में चित आना, या फिर दोनों सिक्कों में पट आना, या फिर एक में चित दूसरे में पट आना, या फिर एक में पट दूसरे में चित आना। यानी कि ये चार संभव परिणाम होंगे हमारे जब हम दो सिक्कों को एक बार एक साथ उछालेंगे। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि कम से कम एक चित हमें कुल कितने परिणाम में प्राप्त हो रहा है। तो कम से कम एक चित हमें इन तीन परिणामों में प्राप्त हो रहा है, चित 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 पट या फिर पट चित। तो यहाँ से कम एक चित आने की प्रायिकता जो हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगा 3/4। 3 जो कि हमारे घटना के अनुकूल परिणाम है और 4 हमारे कुल संभव परिणाम है। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता यहाँ से हमें प्राप्त हो गई है 3/4। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कम से कम एक पट आने की प्रायिकता बताने की। तो जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था, यहाँ पर भी हम सबसे पहले लिखेंगे इसके संभव परिणाम जो कि हमें प्राप्त हो रहे हैं चित 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 पट पट चित और पट पट। अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि कम से कम एक पट कितने परिणाम में हमें प्राप्त हो रहा है। तो कम से कम एक पट हमें इन तीन परिणाम में प्राप्त हो रहा है। तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी 3/4। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है दो चित आने की प्रायिकता। अब हम यह देखेंगे कि दो चित आने की प्रायिकता हमें क्या प्राप्त होती है। दो चित आने की प्रायिकता बताने के लिए भी हम पहले कुल संभव परिणामों को लिखेंगे। कुल संभव परिणामों को लिखने के बाद हम यह देखेंगे कि दो चित हमें कितनी बार प्राप्त हो रहा है। तो दो चित जो हमें इन परिणामों में प्राप्त हो रहे हैं वो है ये। तो यहाँ से हमें दो चित आने की प्रायिकता जो प्राप्त होगी वो होगा 1/4। 1 है यहाँ पर घटना के अनुकूल परिणाम और 4 है यहाँ पर कुल संभव परिणाम। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गई प्रायिकता 1/4। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सिर्फ एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। सिर्फ एक चित आने की प्रायिकता बताने के लिए भी हमें पहले सभी संभव परिणामों को लिखना होगा और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ एक चित हमें कितनी बार प्राप्त हो रहा है। तो सिर्फ एक चित हमें 2 बार प्राप्त हो रहा है।
तो यहाँ से हमें सिर्फ एक छत आने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी, 2/4 अर्थात 1/2। तो इस तरह हमने इन प्रश्नों को हल किया जब दो सिक्कों को एक बार एक साथ उछाला जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने यह देखा कि जब हम दो सिक्कों को एक बार एक साथ उछालते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे कि जब हम तीन सिक्कों को एक साथ एक बार उछालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। जब हम तीन सिक्कों को एक साथ एक बार उछालेंगे तो हमें प्राप्त होगा तीनों सिक्कों में चिप, या फिर दो सिक्कों में चिप एक में पर, या फिर पहले सिक्के में चिप दूसरे में पर और फिर तीसरे में चिप, या फिर पहले सिक्के में चिप और दो सिक्कों में पर, या फिर पहले सिक्के में पर और दो सिक्कों में चिप, या फिर पहले सिक्के में पर दूसरे सिक्के में चिप और तीसरे सिक्के में पर, या फिर पहले दो सिक्कों में पर और तीसरे में चिप, या फिर तीनों सिक्कों में पर। अर्थात जब आप तीन सिक्कों को एक बार एक साथ उछालेंगे तो आपको जो संभव परिणाम प्राप्त होंगे वो होगा HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT। चलिए अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तीन सिक्कों को एक बार एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो पहला प्रश्न है जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है वो है कम से कम एक चिप। तो चलिए हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं कम से कम एक चिप आने की। यह ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सभी संभव परिणामों को लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कम से कम एक चिप हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो कम से कम एक चिप हमें इन परिणामों में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से कम एक चिप आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारी 7/8। 7 है यहाँ हमारे इस घटना के अनुकूल परिणाम और 8 है हमारे इस घटना के कुल संभव परिणाम। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है प्रायिकता कम से कम एक चिप आने की, वो है 7/8। इसी प्रकार से अब हम हल करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले कुल संभव परिणामों को लिखेंगे और फिर इनमें देखेंगे कि कम से कम एक पट हमें कितनी बार और कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो कम से कम एक पट हमें इन परिणामों में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी कम से कम एक पट आने की 7/8। इसी प्रकार से हम हमारे अगले प्रश्न को भी हल करेंगे जिसमें हमें ज्ञात करना है प्रायिकता 3 पट आने की। तो 3 पट आने की प्रायिकता जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगी वो हो जाएगा 1/8, क्योंकि केवल एक ही परिणाम ऐसा होगा जिसमें तीनों सिक्कों में पट आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 3 पट आने की प्रायिकता 1/8। हमारा अगला प्रश्न है केवल एक चिप आने की प्रायिकता। केवल एक चिप आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए भी हम सबसे पहले सभी संभव परिणामों को लिखेंगे और फिर इनमें देखेंगे कि केवल एक चिप हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है और कितनी बार प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, केवल एक चिप हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि 3 परिणामों में हमें केवल एक चिप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी केवल एक चिप आने की 3/8। हमारा अगला प्रश्न है ज्यादा से ज्यादा एक चिप आने की प्रायिकता ज्ञात करना। ज्यादा से ज्यादा एक चिप आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए भी हम सबसे पहले सभी संभव परिणामों को लिख लेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा एक चिप प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा एक चिप हमें प्राप्त हो रहा है इन परिणामों में। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा एक चिप की 7/8। तो यहाँ पर हमारा सिक्कों पर आधारित उदाहरण समाप्त होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे उदाहरण ताश की गड्डी की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और वह 52 पत्ते 4 समूहों में बटे होते हैं। पहला होता है हुकुम, दूसरा होता है पान,
तीसरा होता है ईंट और चौथा होता है चिड़ी। प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 होते हैं। तो ये थी कुछ आधारभूत जानकारी ताश की गड्डी पर आधारित। चलिए अब हम ताश की एक गड्डी को और अच्छी तरह से समझते हैं। ताश की गड्डी में, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। वह 52 पत्ते 2 रंग में बटे होते हैं, एक होता है लाल और दूसरा होता है काला। उन 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। लाल रंग के पत्तों में आ जाता है पान, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ई, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। लाल रंग के पत्तों में 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। 26 पत्ते काले रंग के में 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसे आप ध्यान से देखें और अच्छी तरह से याद कर लें कि पान किस तरह का दिखता है, ईंट किस तरह का दिखता है, हुकुम किस तरह का दिखता है और चिड़ी किस तरह का दिखता है। लाल रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं, काले रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं, पान के कितने पत्ते होते हैं, ईंट के कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं और चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं, और एक ताश की पूरी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे तभी इस पर आधारित प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारियाँ गड्डी पर आधारित उदाहरण के लिए। अब हम जानेंगे फेस कार्ड के बारे में और इक्का के बारे में। जो हमें समूह प्राप्त होता है उसमें जो पत्ते हमें मिलते हैं वो होता है इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गुलाम, बेगम और बादशाह। यहाँ पर जो यह तीन कार्ड आपको दिख रहे हैं, इन तीनों कार्ड को हम कहते हैं फेस कार्ड, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह हमारे फेस कार्ड होते हैं, और यह ए लिखा हुआ कार्ड हमारा इक्का कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं पूरे ताश की गड्डी को। ये रही ताश की पूरी गड्डी जिसमें कि 52 पत्ते होते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सभी होते हैं चारों समूह के गुलाम, बेगम और बादशाह, जिसे हम फेस कार्ड कहते हैं। तो पूरे ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं और 4 इक्के होते हैं अलग अलग समूह के। इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि इसका प्रयोग हमें प्रायिकता पर आधारित प्रश्नों को हल करने में जरूर होगा। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे उदाहरण ताश की गड्डी पर आधारित। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है हुकुम की बुद्धि। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है हुकुम की बुद्धि की। हुकुम की बुद्धि यानी कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सभी समूहों में 13 पत्ते होते हैं जिसमें से कि एक पत्ता होता है इक्का का, 3 होते हैं उसमें फेस कार्ड और बाकी होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के पत्ते। तो हुकुम की दुग्गी जो होगी वो केवल एक होगी और जो कुल पत्तों की संख्या है यहाँ पर वो है 52। तो यहाँ से हमें जो प्रायिकता प्राप्त होगी वो हो जाएगा अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि 1/52। तो हुकुम की दुग्गी की प्रायिकता जो हमें प्राप्त हुई है वो है 1/52। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करना। लाल रंग का बादशाह जो कि हमें पूरी गड्डी में प्राप्त होगा वो होगा केवल 2। तो यहाँ से हमें जो प्रायिकता प्राप्त होगी लाल रंग के बादशाह की वो हो जाएगा 2/52 अर्थात 1/26। हमारा अगला प्रश्न कहता है गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे 52 पत्तों में 4 गुलाम होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा घटना का अनुकूल परिणाम जो कि है यहाँ पर 4। तो यहाँ से हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी गुलाम प्राप्त करने की
4/52 अर्थात 1/13। हमारा अगला प्रश्न है, फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता जो हमें पूरी गड्ढे में प्राप्त होता है वो है 12। तो यहाँ पर हमारा जो अनुकूल परिणाम है वो है 12। तो यहाँ से हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी 12/52 अर्थात 3/13। तो इस तरह हमने ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्नों को भी हल कर लिया है। अब आप प्रायिकता पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण का कुछ उदाहरण। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद।